बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्या है कि मैट्रिक के बाद हम क्या करें। मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैट्रिक के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जॉब कंफर्म हो जाए। पहली तो बात यह है, ध्यान में रखिएगा कि मैट्रिक करने के बाद आप एफए कर रहे हैं, एफएससी करें, आईसीएस करें या कोई भी चीज़ करें, तो उसके लिए आपको बहुत देर बाद जाके आपको पैसा जो है आना शुरू होगा, आपकी जॉब होगी। ये नहीं है कि आप मैट्रिक करेंगे तो फौरन आप उसके बाद एफएससी वगैरह करके तो आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो कभी होता था कि कहते थे कि अभी ये जो है ना बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये एक कमेटी है, एमए एमएससी करेंगे तो उसके बाद जॉब मिल जाएगी, तो वो फिर टर्न होना शुरू हो जाते हैं। अब जो है वो हालात नहीं है। आज का जो माहौल है उसमें अगर आपने एमएससी कर ली तो फिर भी आपको ज़रूरी नहीं है कि जॉब मिले। एमफिल करने वाले भी आप जानते होंगे कि बेरोजगार फिर रहे हैं, 10-15 हज़ार कमा रहे हैं। इसलिए मैट्रिक तक ज़रूरी है, मैट्रिक तक तालीम हासिल करें और उसके बाद कुछ ऐसा करें कि जिनको करने के बाद फ़ौरन आप पैसा कमाना शुरू कर दें। पर वो क्या होंगे, किस तरह के कोर्सेज़ हैं, उनमें से कुछ कोर्सेज़ हम आपको बताएंगे और वो आईटी से रिलेटेड हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो दौर है वो तेजी का दौर है और मैट्रिक करने के बाद आप कुछ ऐसा करें कि फौरन आप पैसा कमाना शुरू कर दें। इसमें जो मैं कोर्स आपको बताऊंगा उसमें मैट्रिक के बाद एफएससी है या बीएस वगैरह करने के बाद ही इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन आप मैट्रिक के फौरन बाद भी जा सकते हैं। ये इन कोर्सेज में मैथ और साइंस की थोड़ी बहुत आपको जानकारी ज़रूरी होती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप बीएस वगैरह करने के बाद ही इसमें जाए। उसमें सबसे पहले है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री हो, आपको सिर्फ उसमें हुनर चाहिए और हुनर आप सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, ये इस तरह की दूसरी ऐप यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ ऐड चलते हैं। वो ऐड हर कोई नहीं चलाता, उसको सीखा जाता है कैसे ऐड चलाने हैं, कौन सी ऑडियंस है उसको टारगेट करना है, तो उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म होता है। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी जान सकते हैं, कोर्सेज भी कर सकते हैं और मैट्रिक के बाद आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई भी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती और करने के फौरन बाद ही बल्कि करने के साथ ही आप इसमें अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इसमें अगर आप जाते हैं तो आपकी मैट्रिक के बाद जो भी आप शुरू करेंगे, चाहे एफएससी हो, चाहे आईसीएसई या कोई भी डिग्री आप कर रहे हो, तो उसमें में साथ साथ आप ये भी सीख सकते हैं और इसमें आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और मैं तो आपको जो सजेस्ट करूंगा, एफए आईटी वगैरह इधर उधर के जो कोर्सेज हैं वो करने की कोई ज़रूरत नहीं। आईटी के जो कोर्स हैं या आईकॉम वगैरह ये भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप आईटी की तरफ आएँ, आज आईटी का ही दौर है। उसके बाद है ऐप डेवलपमेंट। अब ऐप डेवलपमेंट कौन है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होती है, अगर आप अपनी भी बना के प्ले स्टोर पर रख देते हैं उसको अच्छी किस्म की होती है, गेम्स हैं, इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन आप बना लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, तो उसमें इसमें आप कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें तो मैथ का इल्म होना ज़रूरी है, तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें मैथमेटिकल जो इक्वेशन वगैरह होती हैं, दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो आपको आनी चाहिए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप बीएस मैथ करें या कुछ और मैथ की डिग्री हासिल करने के बाद करें, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस होती है। और तो आप इसको अगर डेवलप कर लेते हैं तो इसमें भी लाखों में पे दी जाती है और इसको अगर आप करने के माहिर हैं तो लाख रुपया तो आपकी बेसिक होती है, स्टार्ट से ही होती है, इसलिए आप इसको भी सीख सकते हो और मैट्रिक के बाद ही सीख सकते हैं। नहीं तो अगला जो कोर्स है वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए भी आपको बीएस करना या इसकी बड़ी डिग्री करना ज़रूरी नहीं है, मैट्रिक के बाद इसको सीखा जा सकता है। कुछ कंपनियाँ जो हैं वो आप मांगती हैं कि इसकी बड़ी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप ओपन यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद में अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें से आप डिग्री हासिल भी कर सकते हैं और इसको आप सीख भी सकते हैं। मैट्रिक करने के बाद आप एक साल में इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। फिर आपने सिर्फ वेब जो है डेवलपमेंट करनी है, उसको बेचना है, अपनी वेब बना के उससे भी पैसा कर सकते, कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। आज आप देखें, चाहे कोई पंप जो आप पंप पेट्रोल है या कोई भी है, ग्रोसरी स्टोर है या किसी भी किस्म का कोई स्टोर है या बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उन सबकी वेबसाइट होती है,
और वेबसाइट बनाने में ये लाखों रुपया भी ले जाते हैं, 30-40 हज़ार मिनिमम होती है। अगर जितनी बड़ी वो उनकी साइट आपने बनानी होगी उतने ज़्यादा पैसे होते हैं। और अगर आप रोज़ की एक दो तीन दिन में एक दो तीन भी बना लें तो 30 से 40 हज़ार की एक सेल होती है, तो वो भी आप इसमें कमा सकते हैं। और जिन्होंने किया हुआ है वो लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आपको पता होगा कि आपने कोई भी ऐड देखी है वो वीडियो ऐड है, इसी तरह आपने देखे होंगे पंपलेट होंगे या दूसरी डिज़ाइनिंग होगी, चाहे वीडियो में आप एक ऐड देख रहे हैं उसमें डिज़ाइनिंग कैसे करनी है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले करते हैं। तो ये भी डिजिटल दौर के साथ साथ जैसे हमारी जो पब्लिसिटी जो की जो डिमांड है वो बदल रही है, ये पब्लिसिटी बदल रही है, तो इसके साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। ये मैट्रिक के बाद ही आप सीख सकते हैं, इसमें कोई साइंस नहीं होती, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से इसको घर बैठ के भी सीख सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट से भी सीख सकते हैं, बहुत कम है। मैट्रिक के बाद आप इसको कर सकते हैं, इसका खर्चा भी बहुत कम है और अर्निंग आपकी लाखों में भी हो सकती है। तो जी डियर स्टूडेंट, ऐसे ही और कोर्सेज जानने के लिए हमारे साथ बने जरूर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा जो लिंक मैं दे दूंगा नीचे जो हमारे चैनल का होगा, और उसके जरिए जो आप हमसे कोई भी गाइडलाइन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं।